सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है विश्व बांग्ला गेट यानी कोलकाता हैंगिंग रेस्टोरेंट। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस इस वीडियो को आप एंडिंग तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, आप अगर इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियोज़ का अपडेट आपको आसानी से मिल जाए और आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। चलो फिर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी विश्व बांग्ला जो रेस्टोरेंट का गेट यानी जो लिफ्ट है उसके पास में खड़े हैं हम दोनों, प्रिया और हम। सो यहाँ पे प्रिया मतलब यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक लिफ्ट है और एक सीढ़ी है। तो मतलब तुम कैसे जाओगे बोलो ऊपर रेस्टोरेंट में? मतलब आप पहले सीढ़ियाँ देखो, ठीक है? ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, मैं सीढ़ियों से जाऊंगी। हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि मैं इतना खटू ऊपर जाने के लिए। अच्छा। तो मैं लिफ्ट यूज करूंगी। नहीं नहीं, ऐसे तो सब मतलब ये तो शो ऑफ के लिए मतलब ऐसे जाने आने का एंट्री क्लोज किया हुआ, नो एंट्री किया हुआ। हाँ, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे लोग खड़े होके फोटो वगैरह खींच ना पाए इसीलिए बच्चे वगैरह, तो किसी का गिरने का डर भी रह सकता है। हाँ। इसलिए एंट्री बंद कर दिया। सो चले फिर ऊपर चलते हैं लिफ्ट से। चले सो गाइस, अभी हम लोग मतलब रेस्टोरेंट के ऊपर तक जा रहे हैं। चलिए यार, अभी एक तो देखो इतनी धूप है और छोड़ एक तो इतनी धूप है और मतलब ऐसे मतलब बहुत दूर से आया हूँ तो मैं ऐसे ही मतलब टाइट हो चुका हूँ। सो चलिए लिफ्ट से चलते। ओह माय गॉड, बाहर का मेरे को प्रिया कितना अच्छा लग रहा है यार। मतलब सच्ची मतलब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, मतलब आप जब तक इधर नहीं आओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो गाइस वेलकम टू विश्व बांग्ला गेट यानी कोलकाता हैंगिंग रेस्टोरेंट का। फाइनली हम लोग लिफ्ट से बाहर तक आ गए, अभी जा रहे रेस्टोरेंट का अंदर। सो चलिए फिर चलते हैं अंदर। स्पेस देना चाहिए था। हाँ यार, धीरे 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 धीरे। हाँ चलो, मतलब रेस्टोरेंट का अंदर में आके अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब वो गर्मी से तो पहले है ना कि हम उसके अंदर गए। बैठने के लिए थोड़ा भी सोफा भी नहीं है, बैठ सकते हैं इसे।
ब्लॉग का वीडियो छोड़ लूँ, अभी तो ये मतलब टारगेट है, बाकी देखते हैं जैसे मतलब सबका जितना सपोर्ट मिलेगा उतना फिर कंटिन्यू ब्लॉग करते रहेंगे। अब इतना मेहनत कर रहे हैं तो करते भी हो, मैंने देखा भी है, काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं तुम्हारी, तो मुझे बहुत पसंद आई, तो नॉर्मल सी बात है, होगा सब अच्छा ही होगा। बस यही है कि बस तुम लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो बस, पूछना चाहिए। मेरा सपोर्ट है और बाकी लोगों को मैं बोल दूँगी, मेरा भी एक ब्लॉग है, एक यूट्यूब चैनल है, मैं भी बोल दूँगी। मैं सच कहूँ तो मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरा तो एक ही डायलॉग है कि मतलब हम तो कोलकाता में है नहीं, इंडिया में नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्री में आ गए। मतलब देखो यहाँ से नीचे का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो मेरे को क्लिक यही अच्छा लग रहा है कि जैसे हम आसमान में हैं और नीचे से गाड़ियाँ जा रही है, ये फीलिंग मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है। और तुम बोलो, शुक्रिया, तुम बोलो यहाँ पे आकर तुमको मतलब कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा अभी नीचे जाने का एकदम मन नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, क्या पता नहीं गर्मी का एकदम वो है, यहाँ सर्दी भी बहुत कम होती है लेकिन गर्मी यहाँ की बर्दाश्त नहीं है। ये अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ एकदम कूलिंग हो रखी है, ए सी भी काफ़ी टेम्परेचर में चल रहा है, अच्छा लग रहा है। जब नीचे देखिए, जब बाहर जाएंगे तब पता चलेगा क्या होगा। अच्छा, तुमको पता है? सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने पूरा मतलब जो कोलकाता हैंगिंग रेस्टोरेंट है विश्व बंगला गेट का, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा घूम के देख लिए हैं, अभी बस इधर लॉन्च करना ही बाकी है। सो गाइस अभी चलो, और भूख भी बहुत लगी है सच्ची यार, मतलब वीडियो बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके चाय तक भी नहीं है, चाय तो छोड़ो पानी भी नहीं पिए, ये भी आई है, मैं भी आया हूँ और हमारे जो कैमरा मैन जो भैया है, ठीक है, मतलब वो भी हम लोगों ने अभी तक सच्ची यार वीडियो बनाने के लिए हम इतना खुशी में है कि चाय तो दूर की बात है, पानी तक भी नहीं पिए, और अभी सच्ची अभी 3 बज गया और बहुत भूख लगी है। हाँ, और इको पार्क भी जाना है, वहाँ पे भी वीडियो बनानी है। सो अभी खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है, सो चलिए अभी मतलब वहाँ पे जाके अभी लंच करते हैं, जब इधर आएंगे कुछ खाना पीना देख लेते हैं जैसा भी हो, सो खाना खाते हैं एंड नेक्स्ट जो भी हो वो फिर दिखाते हैं। चलो, हाँ रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा लगा, पता नहीं मतलब खाना इधर का कैसा होगा। सो जैसा भी हो, खाना तो खाना बहुत ही ज़रूरी है। सो प्रिया चलो अभी खाना खाते हैं, पहले पेट पूजा, बाद में काम पूजा। सो चलो लेट्स गो, अभी खाना खाते हैं। हाँ ओके बाय। चलो हाँ, जो भी हो यहाँ से लंच हम लोग निकालते हैं, और फिर कुछ कुछ खाने रेडी हो चुका है, फिर आगे का सोचते हैं। चलो पहले कुछ खाते हैं। सो गाइस, काफ़ी देर बाद हम लोग लंच करने के लिए आ गए हैं रेस्टोरेंट में। सो ये पूजा का बोलो क्या खाओ, बोली बात नहीं, जो खाना पेट भर के खाओ, पता नहीं कितना अच्छा घूम के लगा, शायद आए खाना भी अच्छा ही होगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, पर खाना भी जरूरी है ना। सो क्या खाओगे बोलो, जो तुम खाओगे वो ऑर्डर कर दो, मेरा सबसे मटन नहीं है, मेरे कुछ ना मिलेगा वही खा दूँगा, तो एक काम करो ना फिर, वो कुछ बटर तंदूर रोटी, बटर तंदूर रोटी ठीक है, और सब्जी में मतलब नॉनवेज में चिकन बटर मसाला ग्रेवी में ठीक है, और कोक और ऐसे नॉर्मल वेज वाटर ये बना लेते ठीक है भैया। कट कर दो,
सो गाइस फाइनली हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था लंच के लिए, ग्रीन सलाद चिकन बटर मसाला और तंदूर रोटी एक बटर, और भी कोई ऑर्डर किया होगा ड्रिंकिंग ऑर्डर जो अभी तक आया नहीं पर आएगा। सो काफ़ी लग गई और खाना देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब पता नहीं खाना आई होप अच्छा ही होगा। सो चलो चलो खाना खाते फिर आगे का सोचते हैं, आगे तो हल्के भी है भूख लग गया कि चलो खाना खाना है, खाने के बारे में सोचते हैं। हाँ तो चलो डिस्टर्ब करो और हम लोग एक्चुअली दो जन को दिखा रहे हैं और एक जन हमारे साथ हैं दो जन भैया जो मतलब जिनका नाम है हम लोग वीडियो नहीं बना पाते उनको भी दिखाए जाए हम लोग, तो दो जन भैया हैं हमारे साथ स्वाति देखे तो अच्छा लग रहा है। हाँ खाना तो साथ में खाएँ के थोड़ा मतलब कितना एक्सप्लोर है। मैंने रात को ऐसे फोन कर दिया 11 बजे निकल जाएंगे इसलिए नहीं जल्दी। अच्छा मेरी नींद भी पूरी नहीं। मैंने तो रात को सोया नहीं, मेरे टीवी आई थी ना तो मैंने फिर उनको रेलवे स्टेशन पर उनको रिसीव करने के लिए गया था और काम से आता रात को 1 बजे उनको 4 बजे लेने के लिए गया, वीडियो का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं फेसबुक वगैरह तो सोए नहीं थे ताकि इधर लेट ना हो जाए। सो गाइस फाइनली खाना खाते हैं फिर आगे का बनाते हैं। मैंने यही सोचा था कि घूमने को इतना अच्छा लगा, पता नहीं खाना कैसा होगा नहीं होगा, पर फिर से मैं कह रहा हूँ मतलब यहाँ पे जैसे मतलब घूम के अच्छा लगा वैसे ही यहाँ पे खाना खा के जैसे अच्छे बहुत ही टेस्ट लगा। सो गाइस मैं आप लोगों को कह रहा हूँ अच्छा ही है, खाना भी उतना ही अच्छा है, खाना भी अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी खाना बनाई है और देखो फिर अच्छी खाना के साथ काफ़ी धो रही हूँ और मैं भी धो रहा हूँ। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है आप अगर उधर आना सो प्लीज़ यहाँ पे चाय कॉफ़ी या फिर अगर लंच खाना जो भी करना है पर खाना पीना कुछ भी करते जाना, यहाँ पे घूम के जितना अच्छा लगता है वैसे ही खाना पीना भी बहुत अच्छा ही है। सो गाइस चलिए अभी तो उधर का हो ही देना है, सो चलिए यहाँ से फिर अभी काफ़ी लेट भी हो गए हैं सो यहाँ से निकालना है फिर आगे फिर नीचे उधर दिखाना है कुछ बाकी है बस थोड़ा। सो चलो हाँ चलो लेकिन आना है साथ में एक्चुअली एक्चुअली नींबू देखते मेरे को बुरा आ रहा है, नींबू देख के मुझे याद आ गया कि नींबू पानी पे पीने के लिए नहीं देती पर प्रिया मेरे को बोले कि नहीं यार मतलब टीचर हाथ धोने के लिए ताकि हाथ अच्छा से साफ हो। सो हाथ भी अपनी हो गया सो चले चलो नीचे चल रहे। नीचे देखिए मतलब कितनी नीचे मतलब ऐसा लग रहा है नीचे देखने लग जा रहा है कितना नीचे है और कितना अच्छा हवा आ रहा है मतलब ऐसे नहीं दिख रहा पर सुधार देखो कितना अच्छा दिख रहा देखो कितना अच्छा हवा आ रहा है। Oh my god. अभी जाने के बाद वो लग रहा है। सो फाइनली हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, पीछे का कुछ यूज बात है वो दिखाते हैं होगा एंडिंग करना है। सो चले चलो सीढ़ी तो वो अलाउड पास जैसे सीढ़ी बना हुआ है पर जाने आने का कोई रास्ता नहीं है, नीचे है ना फर्स्ट नीचे है ना। सो फोटो वगैरह ना ले हाँ
राम राम जी 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 इधर 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 देखो इधर देखो इधर सो फाइनली हम लोग लिफ्ट में हैं और अभी रेस्टोरेंट से नीचे जा रहे हैं। ये देखिए मैं हूँ, इधर प्रिया है और इधर डीओपी भैया विधान भैया। सो फाइनली इधर खत्म करके नीचे जा रहे हैं, वहाँ नीचे कुछ व्यूज दिखाना बाकी है, वो दिखा के फिर वीडियो ख़त्म करना है। सो फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं, पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं लिफ्ट से। सो फाइनली हम लोग लिफ्ट से नीचे निकल गए हैं और बाहर जा रहे हैं और कुछ लगेज वगैरह रखा हुआ, अभी लगेज लेना है टोकन देके फिर नीचे का।